दही बड़े खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। त्योहारों या अन्य किसी भी अवसर पर इसे बनाया जाता है। आज हम उड़द की दाल से दही बड़े बना रहे हैं। एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट तैयार होंगे हमारे दही बड़े। इसे हमें पानी में भी भिगोने की जरूरत नहीं होगी और बिना चटनी के भी खाने में मजा आ जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं कल्पना, आप सबका स्वागत है साथ घर का में। आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक करें और कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने उड़द की दाल ली है, ये बिना छिलके वाली उड़द की दाल है। इसे मैंने 4 से 5 घंटे तक के अच्छे से भिगो लिया है और इसका पानी छानकर इसे जाली वाली छन्नी वाले बर्तन में हमने रख लिया है, जिससे कि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी निकल जाए। अब एक मिक्सी का जार लेंगे, इसमें हम दाल को ऐड कर लेंगे। अब हम मिक्सी की जार को बंद कर लेते हैं और इसे हम पीस लेते हैं। हम इसमें चाहे तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे हमने पीस लिया है। अब ये एकदम देखिए, एकदम बारीक पेस्ट हमारा यहाँ का तैयार हुआ है। अब इसे हम एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम बाकी के दाल को भी पीस के मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने सारे दाल को पीस के निकाल लिया है। अब इसमें हम बारीक कटी हुई धनिया पत्ती ऐड कर लेते हैं, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड कर लेंगे, स्वाद अनुसार हम इसमें नमक ऐड करेंगे और साथ ही इसमें हम थोड़ा सा खाने का सोडा ऐड कर लेंगे। इसे हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे। एकदम हल्का होने तक कि हमें फेंटना है। जब तक कि ये एकदम बैटर हमारा हल्का ना हो जाए, तब तक कि हमें इसे लगातार फेंटते रहना है। बैटर को मैंने अच्छे से फेंट लिया है, एकदम हल्का हो गया है ये बैटर और एकदम फ्लफी सा आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसके हम वड़े बना लेंगे। वड़े बनाने के लिए यहाँ पे मैंने तेल को अच्छे से गर्म करके रखा है। अब इसमें हम एक एक करते हुए वड़े ऐड कर लेंगे। आप साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे मीडियम साइज के वड़े ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इससे थोड़ा बड़ा भी आप वड़ा तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सारे वड़े डाल दिए हैं। जब तक तेल में एडजस्ट हो रहा है उतना ही हमने यहाँ पे वड़े डाले हैं। तो अब इसे हम हल्का सा गोल्डन कलर आने तक के फ्राई कर लेंगे और गैस की जो आँच है उसे हम मीडियम रखेंगे, जिससे कि ये ज़्यादा लाल ना हो जाए, सिर्फ हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए और अंदर तक के अच्छे से पक जाए। तो आप देख रहे होंगे हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है वड़े में। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं। इससे ज़्यादा अगर हम गोल्डन कलर करने जाएंगे वड़े को, तो उसकी परत जो है ऊपर की वड़े की वो सख्त हो जाएगी। तो हम जब दही में इसे डालेंगे तो वड़ा जो है दही को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, इसीलिए हम इसे हल्के से ही गोल्डन कलर में इसे निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम बाकी के भी वड़े को तैयार कर लेंगे। अब हम आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। हम दही तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने मिक्सी का जार लिया है। अब इसमें हम दही ऐड कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे किसी भी चीज़ की क्वांटिटी नहीं बताई है आपको, आप अपने हिसाब से सब यूज़ करिएगा, क्योंकि दही की जो क्वांटिटी है वो दही की खटास पे निर्भर होती है। यानी कि आपकी अगर दही ज़्यादा खट्टी हो तो आप कम दही लीजिएगा। आप अपने हिसाब से ये क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेते हैं और साथ ही इसमें हम शक्कर ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हम जो दही तैयार कर रहे हैं वो खट्टी मीठी दही है। तो अब मिक्सी की जार को बंद कर लेते हैं और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे हमने दही को ग्राइंड कर लिया है। इसी तरीके से हम बाकी की दही को भी ग्राइंड कर लेंगे और एक बड़े बर्तन में निकाल के रख लेंगे। अब हम दही में तड़का लगा लेते हैं। तड़का लगाने के लिए यहाँ पे मैंने तेल को अच्छे से गर्म किया है। अब इसमें हम 1 चम्मच राई ऐड कर लेंगे और राई को हम अच्छे से तड़कने देंगे। राई जब अच्छे से तड़क जाए तो इसमें हम बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड कर लेंगे। अब मिर्ची को भी हल्की से हम भून लेने देते हैं। अभी हमारा तड़का तैयार हो गया है। यहाँ पे दही जो हमने फेंट के रखी हुई है अब इसमें हम तड़के को ऐड कर लेंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
आप दही को अगर आपकी ज़्यादा खट्टी हो तो आप उस हिसाब से इसे गाढ़ा या पतला रख सकते हैं। और इसमें शक्कर और नमक आप चेक करके देख लीजिए, कम लगता हो तो आप बाद में भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब दही में हमने जो फ्राई करके हुए वड़े रखे हैं उसे ऐड कर लेंगे। हमें ये ध्यान में रखना है कि जो हमारी दही की क्वांटिटी है इतनी होनी चाहिए कि वड़े जो है हमारे वो अच्छे से इसमें डूबे। वड़े को हमने दही में ऐड कर लिया है। अब इसे हम चम्मच की सहायता से हल्के हाथों से प्रेस करेंगे जिससे कि ये दही में अच्छे से डूब जाए। इसे हम 15 से 20 मिनट तक के ऐसे ही रहने देंगे। 15 से 20 मिनट के बाद में हमारे जो दही बड़े हैं एकदम तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे दही बड़े जो है तैयार हो गए हैं। इसे मैंने एक सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। इसे आप किसी भी चटनी के साथ में सर्व कर सकते हैं, या तो फिर चटनी ना हो तो आप इसमें लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर लीजिए और साथ ही इसमें हम भुने हुए जीरे का पाउडर ऐड कर लेंगे। अगर आप इसे इस तरह से भी ट्राई करोगे तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी होगी। एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हमारे यहाँ पे दही बड़े जो है वो तैयार हो गए हैं। यहाँ से मैं ये दिखा रही हूँ आपको कि कैसे हमारे एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट दही बड़े तैयार हुए हैं। ये काटने में देखिए एकदम नरम है, इजीली कट जा रहा है। इसे हमें पानी में भी डालने की जरूरत नहीं पड़ी है। एकदम सॉफ्ट हमारे दही बड़े बनकर तैयार हुए हैं। इस त्योहार में इसे आप घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और हमारे वीडियो को शेयर करिएगा।